वहीं रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को उस रिपोर्ट को नकार दिया जिसमें दावा किया गया था कि देश में खोले जा रहे नए सैनिक स्कूलों को चलाने की जिम्मेदारी उन लोगों को दी जा रही है जो भाजपा आरएसएस से जुड़े हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि सरकार ने 62% नए सैनिक स्कूलों की जिम्मेदारी संघ परिवार और भाजपा नेताओं से जुड़े लोगों को दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सैनिक स्कूलों को लेकर प्रेस में कुछ आर्टिकल छपे हैं, ये दावे बेबुनियाद हैं। हमें 500 से ज्यादा एप्लीकेशन मिली थी जिसमें से अब तक हमने 45 स्कूलों के आवेदन को मंजूरी दी है।